दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट रूट होगा, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को आपस में कनेक्ट करेगा। इस रूट की कुल लेंथ 82.15 किलोमीटर होगी, जिन पर सेमी हाई स्पीड रेल्स को चलाया जाएगा। इन ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी, जिससे मेरठ से दिल्ली की दूरी केवल एक घंटे में कवर की जा सकेगी। इस तरह के टोटल 3 रूट्स पर रैपिड रेल कॉरिडोर को बनाया जाना है। बात करें अगर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की, तो इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टीमेट कॉस्ट करीब 30,274 करोड़ की है, जिसमें 24 मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड स्टेशन भी होंगे, जो फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स तक इंटरकनेक्टेड होंगे, जिससे पैसेंजर सीमलेस मूवमेंट कर सकेंगे। इस कॉरिडोर के बनने से NCR रीजन में पॉल्यूशन कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलेगी। मार्च 2023 तक इस कॉरिडोर का पहला स्टेज फंक्शनल भी हो जाएगा। अन्य दो रीजनल ट्रांसपोर्ट रूट होंगे दिल्ली अलवर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो दोस्तों, क्या आपको भी स्मार्ट सिटी की रैपिड रेल में ट्रैवल करने का मन हुआ? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।